हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ में सैंडविच के साथ साथ सैंडविच मेकर की एक ऐसी मशीन लेकर आई हूँ जिसमें सैंडविच मात्र एक मिनट में बनता है। और ये देखिए बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि मैंने इसे कैसे बनाया है और ये मशीन मुझे कहाँ से मिला है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेजेस कट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास भी ये शिमला मिर्च था तो उसको मैंने अपने हिसाब से लंबे लंबे कट कर लिए है। सैंडविच बनाने का बात आता है ना तो प्याज कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्याज को बहुत आराम से कट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऊपर वाले लेयर या नीचे वाले लेयर, इस तरह से आप इसको प्याज को कट करोगे तो बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस कटेंगे और बहुत ही मज़ेदार लगती है फिर खाने में। तो देखिए मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में सारे प्याज को बहुत ही आसानी से कट कर लिया है और इसको भी अभी हम लोग साइड रखेंगे। और मैंने देखिए यहाँ पर पहले से ही आलू को बॉयल करके रखा था। तो आलू का मसाला जो भी हम लोग बनाएंगे उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं बनाएंगे, सो सिंपल रखेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और यहाँ पे मेरे पास में पिज्ज़ा पास्ता का जो मिक्स होता है ना वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उस इससे देने से क्या होगा कि एक पिज्ज़ा वाला टेस्ट आ जाता है, जो पिज्ज़ा के ऊपर में जो ऑरिगैनो होता है उसी का टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद मेरे पास में कुछ चिली फ्लेक्स थी तो उसको भी मैंने ऐड किया है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सबको हम लोग मिक्स कर लेंगे। चूँकि हम लोग पास्ता सॉस वगैरह आगे यूज़ करने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग उतने तामझाम नहीं रखेंगे। तो वीडियो को देखते हुए आप हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम आपको ढेर सारा थैंक्स बोल सकें। और अब हम लोग आते हैं कि हमें ये बजाज का जो सामान है ये हमें कहाँ से मिला। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मुझे तो वहाँ से मिल गया, बट ये आपके अमेज़न शॉप में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और आप यकीन मानिए ये जो है ना सैंडविच मेकर बहुत ही आसानी से बनता है। इसमें ये ना बिजली से बनता है, आग वाग पे चढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है और एकदम टाइम देखिए एक मिनट बनेगा। तो देखिए बनाने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पिछले वीडियो का थैंक्स जाता है कुणाल जी को जो कि हैदराबाद से हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये घी बटर जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो पहले आप प्लेट के ऊपरी सतह पर लगाइए जो कि नीचे की ओर जाएगा और फिर इस तरह से आप ब्रेड को उसी में डायरेक्ट रख दीजिए। इस तरह से रख के अब यहाँ पे आप क्या करिए कि सॉस वगैरह जो भी यहाँ पे आपको ऐड करना है, जैसे कि मेरे को टमाटो सॉस ऐड करना था तो मैंने टमाटो सॉस ऐड किया है और यहाँ पे मैंने मियोमी इसका जो होता है ना मियोमी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो मैंने यहाँ पे चिली सॉस नहीं ऐड किया है, लेकिन चिली सॉस के साथ में और भी बेहतरीन लगता है। और ना इसमें ना सिकने का झंझट ना किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑटोमेटिक कट भी हो जाता है, इसके अंदर ही कट हो जाता है, आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको क्या करिए अच्छी तरह से मिला दीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप ब्रेड को इस पर स्टैंड पर रखोगे ना तो उधर साइड में आप बटर या घी ज़रूर से लगा दीजिएगा ताकि क्या है कि उधर का एरिया अच्छी तरह से सिक जाए। फिर यहाँ पे हम लोग आलू की टिक्की को अच्छी तरह से रख लेंगे, अच्छी तरह से उसको फैला देंगे और बहुत ही कम टाइम में, मतलब बिजली भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज वगैरह नहीं लेता है, ये बहुत ही कम टाइम लेता है, इवन इन्वर्टर पे भी काम करता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप जाके चाहो तो अमेजन से इसको बाई कर सकते हो। उसके बाद प्याज वगैरह आप इसमें डाल दीजिए, उसके बाद जो भी अपने जितने भी आपने सब्जियां काटी है, चीज़ वगैरह अगर आपको डालने की इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज लिया है और यहाँ पे मेरे पास में ये जो स्लाइसेस वाले चीज़ होते हैं, देखिए सैंडविच के लिए ना ये चीज़ बेस्ट होता है तो इसलिए मैं इस चीज़ को ही लेती हूँ सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये स्लाइसेस वाले चीज़ को यहाँ पर डाला है और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये मेल्ट हो रखा होगा। जब भी हम लोग तवा पे बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम हम लोग को ज़रूर होता है कि अगर हमने हाई फ्लेम पे बनाया तो हमारी चीज़ नहीं बनती, सिर्फ ब्रेड पक जाती है, और अगर हमने लो फ्लेम में बनाया तो चीज़ को पकने में टाइम लगता है। और फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से डाल के इसको प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर में भी थोड़ा सा घी या बटर जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको बटर घी लगाना थोड़ा ज़रूरी है ताकि इसको बहुत अच्छे से आ जाए। अब इसको हम लोग प्रेस करके अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे और ये ऊपर में जो लाइट दिख रही है ना वो जिस समय हम लोग स्विच देंगे उस समय वो रेड रहेगा और जब ये बन जाएगा ना तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से मैंने अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर दिया है और अब यहाँ पर देंगे हम लोग स्विच देंगे। तो स्विच देने के बाद देखिए रेड बत्ती आप देख रहे होंगे, रेड जल चुका है और जब ये सैंडविच बन जाएगा ना तो ये रेड से ग्रीन हो जाएगा।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ग्रीन हो गया है, हो सकता है आपको इसमें नहीं नज़र आ रहा होगा अच्छे से, बट ये ग्रीन हो गया है। तो अब आप क्या कीजिए कि आराम से अपने सैंडविच को स्विच को बंद कर दीजिए और अब सैंडविच निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बना है। देखिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है। सबसे अच्छी बात इस सैंडविच की यही है कि इसमें क्या है कि आपका चीज़ भी प्रॉपर मेल्ट हो जाएगा और आपको इसमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, निकाल के बहुत आसानी से निकल भी जाता है, गंदा भी नहीं होता है, मतलब आप यूज़ करोगे तो फिर आपको लगेगा ही नहीं। देखिए कितना अच्छे से ये पैक कर देता है, तो बस है ना, बहुत मज़ेदार सामान। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको इसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।